खबर यूपी के चंदौली से है। दुर्गा पूजा और नवरात्रि को देखते हुए लगातार हो रही ट्रेनों में भीड़ के मद्देनजर दीनदयाल उपाध्याय जीआरपी जंक्शन पर लगातार चेकिंग अभियान और सर्च अभियान चल रही है, ताकि त्योहारों के इस मौसम में कहीं कोई अप्रिय घटना न हो पाए। चेकिंग के दौरान दीनदयाल उपाध्याय जीआरपी को आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जब एक युवक को 2 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। बरामद अफीम की कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 20 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस मामला दर्ज कर पकड़े गए तस्कर की जानकारी के अनुसार गैंग के अन्य सदस्यों को पकड़ने में जुट गई है। दरअसल दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर जीआरपी द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। प्लेटफॉर्म संख्या 7 से 8 के पश्चिम तरफ फुट ओवर ब्रिज के पास एक युवक पीट कर बैग लिए खड़ा था, जिसकी गतिविधियां संदिग्ध है, और वह जीआरपी जवानों को देखते ही भागने लगा, जिसको दौड़ाकर जवानों ने पकड़ लिया। जब उसके बैग की तलाशी ली गई तो बैग से अफीम बरामद हुआ, जो कि एक पॉलिथीन पैकेट में रखा गया था। जीआरपी जवान युवक को लेकर जीआरपी कोतवाली पहुंचे। पूछताछ में युवक ने अपना नाम शहबाज आलम, निवासी ग्राम जोरी थाना वशिष्ठ नगर जिला चतरा झारखंड बताया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि नशे की ये खेप वो चतरा झारखंड से लेकर यूपी के बरेली जा रहा था। सीओ जीआरपी ने बताया कि आरोपी से कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं, जिसके हिसाब से इस काम में लिप्त अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए जीआरपी जुट गई है। बरामद अफीम की कीमत अंतरराष्ट्रीय मार्केट में 20 लाख रुपए बताई जा रही है। चंदौली से सुजीत तिवारी की रिपोर्ट। साहब, क्या बरामदगी है, क्या पकड़ा गया, कहां से कहां ले जाया? आज दिनांक 2 अगस्त 2019 को इंस्पेक्टर जीआरपी आरके सिंह और इंस्पेक्टर राजेश कुमार के नेतृत्व में संदिग्ध व्यक्ति और वस्तु की तलाशी चेकिंग के लिए पूरी टीम लगी हुई थी। रात में 2:40 के आसपास प्लेटफार्म नंबर 7 और 8 पर चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान ये शहबाज, जो झारखंड के चतरा का रहने वाला है, ये संदिग्ध वस्तु के साथ दिखाई दिया, जिसकी चेकिंग की गई तो 2 किलो अफीम पाई गई। पूछताछ पर इसने ये बताया कि झारखंड से बरेली। कितनी कीमत है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में? लगभग इसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 20 लाख। इसके लिए क्या पुलिस बल को सम्मानित किया जाएगा? कुछ प्रकार सम्मानित किया है, जो टीम लगी है इसमें, जिस टीम के द्वारा ये कार्य संपन्न किया गया, इसको पुरस्कार। क्या पूछताछ में पता चला पहले भी ये शामिल रहा है? अभी इसके और गहनता से पूछताछ और विवेचना का प्रयास है तो किया जाएगा, और इसकी तहकीकात की जाएगी, इसकी कहाँ से ओरिजिन है और कहाँ तक कितने लोग इसमें लिप्त हैं, इसकी जाँच की जाएगी।